बहुत सारे लोगों का पेटीएम अकाउंट ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉक कर दिया जा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्यों हो रहा है और इसका प्रॉब्लम आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको ये जानकारी लेना है आपका अकाउंट किस लिए ब्लॉक किए हैं। ज्यादातर अभी जो ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉक कर दे रहा है, एक नंबर जो पॉइंट है आपका प्रोफाइल अपडेट सही तरीके से नहीं है, दो नंबर जो पॉइंट है आपका KYC अगेन करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोसेस के लिए अकाउंट ब्लॉक कर दे रहे हैं। अभी क्या है, बहुत सारा यूजर अपना प्रोफाइल ठीक ठाक से अपडेट नहीं किए हैं। प्रोफाइल अपडेट्स मीन्स क्या है, आप स्टूडेंट है, प्रोफाइल में लिखे स्टूडेंट, आपका इनकम भी कम है बट ट्रांजेक्शन ह्यूज करते जा रहे हैं, तब आपका अकाउंट जो है होल्ड कर दिया जाएगा, आपका बैलेंस होल्ड कर दिया जाएगा। वो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद अगेन आपका जो अकाउंट है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारा अकाउंट बहुत पुराना अकाउंट है बट KYC नहीं है, आपका प्रोफाइल सेक्शन में दिखाएगा, बहुत सारा बार मैसेज भी दिया है इतना तारीख के अंदर आपको KYC करना है बट आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तब आप लोग KYC अगेन नहीं करते, इसके लिए अकाउंट होल्ड हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल की तरह से मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एक अकाउंट है जो मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये अकाउंट देख सकते हैं, ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ये अकाउंट होल्ड हो चुका है। देख पा रहे हैं इधर, यू कैन नॉट ऐड और रिसीव मनी टू योर अकाउंट, योर अकाउंट इज ब्लॉक फॉर ट्रांजेक्शन, प्लीज अपडेट योर KYC टू इंजॉय फुल बेनिफिट ऑफ योर अकाउंट। मतलब ये जो अकाउंट है ये अकाउंट में KYC रिक्वायरमेंट है, KYC अगेन चाहते हैं। आपका नियरेस्ट किधर भी KYC पॉइंट है उधर जाके KYC कर सकते हैं, नहीं तो अपडेट नाउ पे क्लिक करके वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू आप अपना KYC कर सकते हैं। वीडियो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अच्छा नेटवर्क में रहना है, आपका पैन कार्ड डिटेल्स रखना है, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों को ओरिजिनल रखिए। उसके बाद आप एक प्लेस में जाइए जिसमें आपका और दूसरा कोई पीपल नहीं रहना चाहिए, और अच्छा बैकग्राउंड में जाके आपको ये स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करना है। वो 24 घंटे के अंदर आपका KYC हो जाएगा और आपका डोर पे 7 दिनों के अंदर एक QR कोड भेजेंगे कंपनी ने पेटीएम की तरफ से एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। वो एड्रेस वेरिफिकेशन का QR कोड आप स्कैन कर लेंगे तो 4-5 दिन के अंदर आपका KYC जो है अकाउंट में हो जाएगा। तो इसी तरफ से KYC कंप्लीट करना पड़ता है। और आप चाहते हैं नया भाई KYC पॉइंट ढूंढने के लिए तो आपको क्या करना है, पेटीएम पेमेंट बैंक में चले जाना है। पेटीएम पेमेंट बैंक में जाने के बाद आपका पासकोड देके एंटर हो जाइए। एंटर होने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अपडेट नाउ पे क्लिक कर लीजिए जिसका KYC रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा नियर KYC स्टोर, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका नियरेस्ट जो भी KYC पॉइंट है वो आपको इधर दिखाएगा। तो आप इधर विजिट करके अपना KYC कर सकते हैं फिंगरप्रिंट देके। आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके और पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड जरूरी है। पैन कार्ड नहीं है तब भी आपका KYC हो जाएगा बट पैन कार्ड रखेंगे तो आपका काम और भी इजी में हो जाएगा। ओके, इसी तरफ से आपको KYC करना है। KYC करने के बाद 7-8 दिन के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी चलते हैं प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है। प्रोफाइल अपडेट ये एक मैंडेटरी चीज है जिसका बैलेंस होल्ड हुआ है प्रोफाइल अपडेट की वजह से, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो पहले वाला स्टेप है मैं आपको बता देता हूं। मैं इसका एक इस फोन में जो अकाउंट है ये हमारा दोस्त का फोन है और मैंने कुछ दिन पहले इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मैंने कर दिए हैं, ये फोन हमको देके गए थे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इधर एक पेमेंट सेक्शन में चले जाता हूँ, टू कॉन्टैक्ट पे किसी भी एक बंदा को ढूंढ लेता हूँ। इधर देखिए फेल्ड हो चुका है। मैंने कब पेमेंट किया था, ये पेमेंट कब किया था मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो पेमेंट किया था हमने देख सकते हैं आप 21 दिसंबर में किया था, 21 दिसंबर में किया था और पेमेंट गया था फेल्ड। पेमेंट फेल्ड एज मनी कुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब ये अकाउंट जो है अकाउंट से आपका मनी डिडक्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या था, ये आपका प्रोफाइल अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम आया था, इसका भी प्रॉब्लम आया था और अकाउंट होल्ड हो गया था, नहीं सेविंग्स अकाउंट यूज कर रहे थे और नहीं आपका वॉलेट यूज हो रहा था। तो इसके बाद मैंने कुछ काम कर दिया था उसके लिए। देखिए ये जो अकाउंट है ये 3 दिनों के अंदर इसका अकाउंट ठीक हो गया था। ये देखिए पेटीएम की तरफ से मैसेज आया था, आप देख सकते हैं इधर, डियर कस्टमर योर अकाउंट पब्लिक वॉलेट इज नाउ एनेबल फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन PPBL, पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से ये मैसेज आ गया था। तो कैसा क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद इधर आपको एकदम ऊपर में दिखाते हैं आपका नाम, नाम के ऊपर क्लिक करिए। नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इधर आपका डिटेल्स आ जाएगा। इधर आपको ऑप्शन मिलता है KYC वेरिफिकेशन, KYC वेरिफिकेशन में क्लिक करना है। KYC वेरिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे इधर आपको मेन चीज करना पड़ता है, मेन जो चीज है इधर ही आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपका पिताजी का नाम देना है, आप मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। इसके बाद आपको इधर ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट दीजिए और आप इम्प्लॉय है तो इम्प्लॉय दीजिए, आप रिटेलर है तो रिटेलर दीजिए।
इसके बाद आपका इनकम मतलब सोर्स ऑफ फंड्स किधर से आते हैं, इन बिजनेस इनकम दे सकते हैं, मैं बिजनेस इनकम दिया हूँ। इसके बाद एनुअल इनकम कितना करते हैं, उसके बाद एक्सेप्टेड कैश ट्रांजेक्शन आप कितना करते हैं। इनकम छोड़ दीजिए, इनकम तो आप कितना इनकम करते हैं ये आपको करना है, कितना इनकम करते हैं छोड़ दीजिए, बट ये जो चीज है कितना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ये आपको जरूरी है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये ट्रांजेक्शन आपको उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा जितना आप चूज करेंगे, नहीं तो अगेन आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए आप मेरा जो दोस्त का ट्रांजेक्शन होता है तो 10 से 25 लाख तक होता है, तो मैंने 10 से 25 लाख किए हैं। आप चाहते हैं तो 25 से 50 लाख भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं है जो ट्रांजेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ये बता रहा है आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके बाद देखिए ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपको पेटीएम का कस्टमर केयर में फोन करना है। क्या करना है, पेटीएम का कस्टमर केयर आप क्रोम में सर्च कर लीजिएगा, पेटीएम कस्टमर केयर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखिए पेटीएम कस्टमर केयर में फोन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फोन नंबर इधर ही मिल जाएगा आपको, ये देखिए ये है कस्टमर केयर नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कस्टमर केयर नंबर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 0120445 64, ये जो नंबर देख रहे हैं कस्टमर केयर का नंबर है 0120445 64, ये नंबर स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा, उधर जाके आप नोट करके कस्टमर केयर में फोन करके कस्टमर केयर से बात करना है, आप लोगों को बात करके आपको बताना है जो हमारा इस तरफ का प्रॉब्लम हुआ है, मैंने प्रोफाइल अपडेट कर दी है, पहले हमारा मिस्टेक था। वो क्या करेगा, आपका बैकएंड से एक कॉल आएगा जिसका कॉल वेरिफिकेशन करेगा, बताएगा जो आप अकाउंट में जो आपने यूज किए हैं आधार कार्ड उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या है, ये सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई होगा आपका कॉल, वो जो कॉल आएगा कॉल जरूर आपको अटेंड करना है। कॉल वो लोग कॉल बैक जब करता है वो वेरिफिकेशन के लिए कॉल बैक करता है, जब आपका कॉल बैक हो जाएगा और कॉल के थ्रू आपने वेरिफिकेशन कर लेंगे सक्सेसफुली, 3 दिन के बाद आपका जो अकाउंट है इनेबल कर दिया जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। यही हमने किए हैं, जो हमारे साथ हुआ है मैं आपको शेयर किया हूँ, इसी तरफ से अपना पेटीएम का अकाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिव कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दूसरों से शेयर कर लीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।